कीरतपुर मोहल्ला बलीपुरा के नजदीक हसनपुरा इलाके में आज सुबह जोरदार कार सड़क हादसा हुआ, जहां पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी चालक और कार में बैठी सवारियों की जान बच गई और कार चालक व सवारियों को मामूली चोटें होने से वो सकुशल बाल बाल बच गए। तेज गति से बिजनौर से आ रही टाटा नेक्सोन एक्स जेट कार ड्राइवर को नींद आने की वजह से नजीमाबाद की ओर से आ रही कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जियो ऑफिस के सामने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों कारों की आमने सामने की आपस में टकराव इतनी भीषण थी कि ब्लैक कार के परखच्चे उड़ गए और कार ने कई पलटे खाकर दुकान के चबूतरा पर जाकर रुकी। दोनों कारों के भीषण हादसे को देखकर मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ ने क्षतिग्रस्त दोनों कारों से घायल चालकों और सवारियों को बामुश्किल निकाला। कार दुर्घटना में चालकों का सौभाग्य रहा कि सभी की जान बाल बाल बच गई और घायल सवारियों को अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची कीरतपुर पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त हुई कारों को क्रेन के द्वारा कीरतपुर थाने पहुंचाया। भीषण कार सड़क हादसे में कीरतपुर कोतवाली में तैनात थाना अध्यक्ष ने बताया कि बिजनौर से आ रही कार की गति अनियंत्रित होने से ये सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें दोनों कार चालकों और सवारियों की जान बच गई। आपको बता दें कि भीषण हादसा टलने की वजह यह भी रही कि कांग्रेस युवा नेता मुदस्सिर जमा खान के संघर्ष और मेहनत व प्रशासन के सहयोग से डिवाइडर नजदीक स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, जिससे नजीबाबाद से आ रही कार की स्पीड धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बिजनौर से अर्जुन सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अर्जुन सिंह एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं कीरतपुर, ये मोहल्ला हसनपुरा में, जो जहाँ पर डिवाइडर यहाँ पर लगाए गए हैं, सॉरी यहाँ पर जो ब्रेकर यहाँ पर लगाए गए, तो और उस ब्रेकर लगाने के बाद भी, और आज यहाँ सुबह 8:30 बजे के लगभग यहाँ एक बड़ा जो सीरियस यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, और इसका क्या सीन रहा, क्या पूरा मामला है, तो मैं भाई साहब से मालूम करना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? हुमायूं जी। हुमायूं जी, ये जो सुबह एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने का जो एक पूरा जो सीन है और क्या पूरा मामला था, और आपने पूरा नज़र आपने देखा, तो क्या जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं यहाँ पर एक्टिव था, मतलब कि खड़ा था, तो वहाँ से I-10 आ रही थी। I-10 का आगे ना एक ब्लेरो थी, तो जो यहाँ पर ब्रेकर लगे हुए हैं ना, तो ब्रेकर की वजह से ना दूसरी ब्लैक कलर की गाड़ी जो थी वाली तो पहले ही हल्की हो चुकी थी, तो ब्लेरो निकल गई, तो I-10 ने ना रॉन्ग साइड को कट लिया। जब I-10 ने रॉन्ग साइड को कट लिया, तो ब्लेरो ने अपनी मतलब कि कार की सेफ्टी करने के लिए साइड में ली, तो वो ना क्या बोलते हैं उसको, उसके ना आगे से जब टक्कर हुई थी, गलती ना उसकी थी I-10 की, क्योंकि I-10 रॉन्ग साइड पर आ गई थी। तो क्या ये दोनों गाड़ी बड़ी सीरियस हो गई, जम लिया है और काफ़ी ये मतलब सड़क पे काफ़ी पलट गई, तो इतनी सीरियस एक्सीडेंट होने के बाद तो ड्राइवर और जो सवारी थी, तो उनकी क्या पोजीशन थी? ब्लैक वाली जो उसमें थे पैसेंजर्स थे, उसकी तो थोड़ी सी चोट लगी।